हाय, हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद रिचा में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 3, देश भाषा काव्य है। अभी तक हम आदिकाल के 2 प्रकरण पढ़ चुके हैं, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। आज हम पढ़ेंगे देश भाषा काव्य। मैं आपको बता दूं, यदि आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये बुक जरूर पढ़ लें, क्योंकि इस बुक से 70% क्वेश्चन आते ही है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इस बुक को जरूर पढ़ लें। आइए शुरू करते हैं। हम उससे पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भेज सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं अपने सभी वीडियो के लिंक यहीं पर सेंड करती हूँ। और साथ ही यदि कोई डाउट है, आप ईमेल आईडी पर नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज ही देना। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, उससे पहले यदि मैं आपको बता दूं, कोई नए बच्चे जुड़े हो, हम आदिकाल वीरगाथा काल पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से। आदिकाल वीरगाथा काल का समय है संवत 1050 से 1375, और हम प्रकरण 1 और प्रकरण 2 पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखी है जाकर वे क्लास जरूर देख ले। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 3, देश भाषा काव्य। आइए शुरू करते हैं, देखेंगे आदिकाल प्रकरण 3, देश भाषा काव्य। पहले कहा जा चुका है कि जो हम प्रकरण 1 और प्रकरण 2 में पढ़ कर आए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप सिक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे तो ये आपकी ये बुक समझ में आएगी। ऐसे बीच बीच में से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप पहले प्रकरण 1 पढ़े, प्रकरण 2, फिर प्रकरण 3। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप शुरू से पढ़ते हुए चले। शुरू करते हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य है, जैसे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध है। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे ग्रंथ है बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, इनके बारे में पूरी तो जानकारी नहीं मिलती, जितनी मिलती है हमें उसी में ही संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसागर साधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गवारों समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राज्यसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राज्यसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय में शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे, और अपनी वीर उल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ये वहाँ के जो राज्यसभाएं थी उनका बता रहे हैं कि वे अपने, मतलब क्या कहते हैं, नीति श्रृंगार आदि विषय में शौर्य, जो अपने नीति श्रृंगार आदि उनके विषय थे उसमें वे शौर्य पराक्रम थे, वे अपनी वीर उल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राज्य के पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी। और भट्टचारण का यहाँ मतलब है जाति से, भट्टचारण जो ये जातियाँ थी, जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टचारणों की परंपरा में चलने रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। यानी इन्होंने बताया है कि इसे वीरगाथा काल क्यों कहा गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो ये वाली है, पता लग जाएगा आपको। इसमें लिखा भी है कि वीर उल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। इसमें ये हमारी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे भारत के इतिहास में। ये उस समय का भी थोड़ा सा इतिहास बताइए कि वहाँ पर कैसे, कौन राजा था, कौन राज्य कर रहा था, ये सब अभी हमें पढ़ने को मिलेगा। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। ये बता रहे हैं कि उस समय भारत के इतिहास में किधर ज़्यादा हमले होते थे, उत्तर पश्चिम में ज़्यादा हमले होते थे।
आगे पढ़ेंगे हम। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। उधर की भाषा ही भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। मतलब वही बात है, जहाँ पर जैसा जनता की चित्रवृत्ति होगी वैसे ही वहाँ का इतिहास होगा। ये मैंने आपको प्रकरण एक में भी पढ़ाया था, ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार चौहान चंदेल और परियार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूँ ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी बिराई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। बता रहे कि लड़ाई ये नहीं है कि किसी कारण सोई जा रही, कभी कभी तो अपनी ऐसी वीरता शौर्यता का प्रदर्शन करने के लिए ही लड़ाई की जाती थी। महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में राह करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। ये थोड़ा सा इतिहास, आप ये मत समझना कि हिंदी में इतिहास कहाँ से आ गया, ये उस टाइम का बता रहे हैं कि वहाँ का इतिहास उस टाइम क्या था। तो ये भी हमें पढ़ते हुए चलना है, इन्होंने शुरू में ऐसी भूमिका बताई है तो हमें ये सब पढ़ते हुए चलना है। एक बार आगे देखेंगे। सांबर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजयदेव ने मुसलमानों को परास्त किया था। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से हमारा शुरू हुआ, देखते हैं। अजय देव के पुत्र अर्नोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्नोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्नोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र विशलदेव, अब यहाँ पर आए, आना के पुत्र तो है विशलदेव और आना के पिता कौन है अजयदेव, यानी अजयदेव के पुत्र आना और आना के पुत्र विशलदेव। और विशलदेव तो आप जानती हैं हिंदी साहित्य में विशलदेव रासो एक ग्रंथ है हमारा जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो यहाँ से हमारा ये इतिहास अब ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। आना के पुत्र विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाली बात है क्योंकि विशलदेव तो सभी जानते हैं, हो सकता है कि विशलदेव ना दे के विग्रहराज चतुर्थ दे तो आप कन्फ्यूज हो जाओ, तो आप कन्फ्यूज मत होना, आप याद रखना। आना के पुत्र विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई जिसे परास्त कर विशलदेव आर्यवर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। ये बताना चाह रहे हैं कि जब विशलदेव का समय आया तो वहाँ पर किशनगढ़ राज्य में मुसलमानों की सेना चढ़ाई थी और उसे उसको हरा दिया था विशलदेव ने और उन्होंने आर्यवर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। आगे चलते हैं। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यवर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विशलदेव के संबत 1220 के लेख से पाया जाता है। कि हमने जो ये पढ़ा ये हमें कहाँ पर मिलता है, अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर। आइए आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडोल पर धावा किया था पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपुताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए हैं जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश
सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। आगे देखेंगे, आगे लिखते हैं, उस समय जो तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी, इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। इम्पोर्टेंट है, फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। यानी हमारे यहाँ पर जो यूरोप में था वीर गाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम, ऐसा ही यहाँ पर भारत में भी रहा। किसी राजा की कन्या को हरा कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। यह बताना चाह रहे हैं कि इन काव्यों में श्रृंगार रस तो मिलता था, पर जो मुख्य रूप से रस था वो हमारा वीर रस ही था, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। तो ये आप याद रखिएगा, वीर गाथात्मक काव्य में हमें प्रधान रस हमारा वीर और गौण रस हमारा श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं, जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ में से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसे ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रधानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना मिल रहती थी। याद रखेगा, जो हमें भी गाथात्मक काव्य मिलते हैं ना, इनमें जो घटनाएं हैं वे कल्पित प्रधान है। याद रखेगा, कल्पित प्रधान हमारी ये घटनाएं मिलती है। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे हम, ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। यानी हमें जो वीर गाथाएं ये दो रूपों में, दोनों रूपों में मिलती है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में भी और वीर गीतों के रूप में भी। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो, और वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक मिलती है विशलदेव रासो। तो याद रखिएगा, वीर गाथाएं दो रूपों में मिली है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। साहित्यिक रूप में जो हमें प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो, और वीर गीत के रूप में जो सबसे पुरानी पुस्तक मिली है वो है विशलदेव रासो। दोनों में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग जगह, एक जगह आप इन्हें नोट कर लेना अलग अलग। आइए आगे बढ़ते हैं, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है। आला के बारे में हम अभी इस रचना के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती है या कई उल्लेख मात्र पाया जाता है, ये ग्रंथ रासों कहलाते हैं। ये बताना चाह रहे हैं आगे हम जो पढ़ेंगे रासों ग्रंथ पढ़ेंगे, और उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हमें कोई मतलब या तो हमें कहीं से कुछ जानकारी मिली है या उनका उल्लेख मिलता है, उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर विशलदेव रासों के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया। ये भी पूछा जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से मानी है, तो रसायन शब्द से मानी है, और ये रसायन शब्द कहाँ पर आया है, विशलदेव रासो ग्रंथ में। तो ये दोनों ही आप याद रखना, रसायन और विशलदेव रासो। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। आगे पढ़ेंगे, अब मैं आपको बता दूं हम आगे इन सात रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकरण तीन में इन सात रचनाओं को रखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैंने यहाँ पर एक बार नाम रख दिया, क्योंकि होता क्या है जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, इनके रचनाकार ही पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके एक जगह हो जाएगी। आइए देख लेते हैं पहले इन्हें, दलपति विजय खुमान रासो। दलपति विजय रचनाकार है और उनकी रचना है खुमान रासो। अगली रचना हम देखेंगे नरपति नाले विशलदेव रासो, ये इनका ग्रंथ है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो कोर्स में भी लगा हुआ है एनटीए के। भट्ट केदार जयचंद प्रकाश मधुकर कवि जयमंग जस चंद्रिका। मैं आपको बता दूँ ये दोनों नाम बहुत मिलते जुलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, इन्हें अलग से एक जगह आप नोट कर लेना, ताकि आप बार बार देखो तो आपके याद हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। जगनी इनका ग्रंथ है परमाल रासो, श्रीधर इनका ग्रंथ है रनमल छंद। अब हम इन सातों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आइए शुरू
करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दलपति विजय कुमार रासो, संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल कुमार नाम के तीन राजा हुए। इन्होंने बताया कि संवत 810 से 1000 के बीच में कुमार नाम के तीन राजा हुए। आगे हम पढ़ते हैं कर्नल टोड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है कि जो कर्नल टोड है उन्होंने इन तीनों को एक ही माना और उनके युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालबोज के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रमी संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है कि इन्होंने जो सब लिखा है यह सारांश इन सब के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है। तो याद रखिएगा, जो खुमान रासो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपूर्ण माना है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। उसमें कहाँ तक का वर्णन है? महाराणा प्रताप सिंह तक का। आगे बढ़ते हैं, अतः इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। ऋषिकुल जी ने अपनी बुक में दिया है इन तीनों का। मैंने पीछे बताया कि तीन हुए खुमान नाम से, पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अगर हुआ इनमें से खुमान का एक ग्रंथ तो खुमान द्वितीय का होगा। तो यह आप याद रखना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। अतएव यदि किसी खुमान के अनुमायु की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। मतलब ये भी अनुमान लगा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, शिव सिंह सरोज के कथन अनुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो के रचयिता था। सिंपल सी बात यह है, दलपति विजय खुमान रासो का ग्रंथ है और वो अपूर्ण है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे अपूर्ण माना है और वे मानते हैं कि अगर हुआ ये दलपति विजय, ये हमारा जो खुमान रासो है, अगर हुआ तो ये खुमान दूसरा यानी इनका समय जो है विक्रमी संवत 870 से 900 का इनका होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे नरपति नलय विशलदेव रासो इम्पोर्टेंट है। नरपति नलय कवि विग्रह राज चतुर्थ, मैंने पीछे बताया था जो विशलदेव है इनका दूसरा नाम क्या है? विग्रह राज चतुर्थ। तो आप याद रखिएगा, नरपति नलय कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम विशलदेव का समकालीन था, कदाचित यह राज कविता। इसने विशलदेव नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में है। पीछे पढ़ा भी था हमने वीर गीत के रूप में, हमें जो सबसे पुरानी पुस्तक मिलती है वो मिलती है विशलदेव रासो। तो आप इसमें एक तो याद रखिएगा विशलदेव रासो की रचयिता नरपति नलय, विशलदेव का दूसरा नाम विग्रह राज चतुर्थ और ये हमारा ग्रंथ कैसा है? वीर गीत के रूप में लिखा हुआ। आगे हम देखते हैं, ये इसके बारे में पंक्ति फेमस है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। इसमें लिखता है, 1272 मजारी जैट बदी नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। 1272 का इस पर अर्थ है 1212। तो इसका यह सन भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका सन 1212 है। 72 शब्द बढ़ोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 1272 का अर्थ द्वादशोत्तर 1200 अर्थात 1212 होगा। शॉर्ट में आपको याद रखना है कि ये 1212। इसमें से हमें 4 पॉइंट मिलते हैं, विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नलय, विशलदेव का दूसरा नाम विग्रह राज चतुर्थ, ये पुस्तक हमें वीर गीत के रूप में लिखी मिलती है 1212 में लिखी गई और ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है।
आगे देखिए क्या हम बताया, विशलदेव राशों में चार खंड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशलदेव राशों में कितने खंड है, तो याद रखिएगा चार खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। कितने चरण है इसमें? 2000 चरण। इसकी कथा का सार यह है, खंड एक में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांवर के विशलदेव का विवाह होना। मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है विशलदेव रासों में नायिका का नाम राजमती, और नायक तो विशलदेव है ही, नाम से प्रतीत होता है विशलदेव रासो। दूसरे खंड में क्या है? विशलदेव का राजमती से रुककर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां एक वर्ष रहना। तीसरे खंड में राजमती का वीर वर्णन और विशलदेव का उड़ीसा से लौटना। तीसरा खंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि राजमती का वीरवर्णन किस खंड में आया है, तो याद रखेगा खंड तीन में। खंड चार में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा विशलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना है। ये इसकी पूरी कहानी हुई शॉर्ट में। ये चार खंड है और ये चारों याद रखना है किस में क्या हुआ है। याद रखेगा खंड एक में राजमती और विशलदेव का विवाह, खंड दो में विशलदेव का राजमती से नाराज होकर उड़ीसा जाना और वहां एक वर्ष रहना, खंड तीन में राजमती का वीरवर्णन और विशलदेव का वापिस आना, खंड चार में भोज का अपनी पुत्री को लेकर आना चित्तौड़ से, फिर विशलदेव वहां आकर राजमती को फिर से मनाता है और उसे अपने साथ चित्तौड़ ले जाता है। आगे देखते हैं हम। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, ये घटनात्मक काव्य नहीं है वर्णनात्मक है। मैं आपको बता दूं, जो ये ऐसी कोटेशन होती है ना, एक तरह की पंचलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दो तरह से बनते हैं क्वेश्चन, या तो ये पूछ लेंगे ये घटनात्मक काव्य नहीं है वर्णनात्मक है किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा, या थोड़ा पेपर का लेवल हार्ड होता जा रहा है तो अब ऐसे पूछ सकते हैं कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है वर्णनात्मक है, ये पंक्ति शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के विषय में कही है, तो याद रखिएगा विशलदेव रासो। आगे वे लिखते हैं, इसमें दो ही घटनाएं हैं, विशलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। किसमें ये दो ही घटनाएं मिलती है? विशलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। पहली बात कौन सी जो पीछे बताई है? विशलदेव का विवाह, की ये तो कल्पना प्रतीत होती है। क्यों होती है? आगे पढ़ेंगे हम। विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, कि विशलदेव के 100 वर्ष पहले ही जो है परमार राजा जो भोज था उनका देहांत हो चुका था। और इसमें बताया कि राजा भोज की पुत्री थी राजमती, उनका विवाह विशलदेव से होता है, तो इसलिए बता रहा है कि पहली बात तो कल्पना प्रतीत की होती है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे और डिटेल में बताया, अतः उनकी कन्या के साथ विशलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती। विशलदेव की एक परमार वंश की रानी थी, यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह भी हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ विशलदेव का विवाह हुआ हो। यह कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये उपाधि भोज, क्योंकि जो धार के परमार थी उनकी उपाधि भोज रही हो, क्या पता, और उनमें से किसी की कन्या का विवाह विशलदेव के साथ हुआ हो। आगे बढ़ेंगे हम। आगे लिखते हैं, पर नाले के इस विशलदेव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो वीर रासा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का, मतलब ये बताना चाहिए जो विशलदेव है उसके जैसे वीर राजा में होता है ना कि उनका वीर का, उनकी वीरता का वर्णन, ऐसा इस ग्रंथ में कुछ नहीं मिलता। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है, कि इसमें श्रृंगार रस ज्यादा। आगे रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, यह केवल गाने के लिए रचा गया था, तो पूछा जा सकता है ये शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के विषय में कहा है, तो याद रखेगा विशलदेव रासो। आगे बढ़ते हैं, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वे साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए, तो याद रखिएगा विशलदेव रासों में श्रृंगार की प्रधानता मिलती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर इसमें भी समझाया था। तो याद रखिएगा विशलदेव रासो, पूछा भी जाता है कि श्रृंगार रस के प्रधानता वाला ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिएगा विशलदेव रासो। आगे बढ़ते हैं,
अब हम देखेंगे विशाल देव राशो की ग्रंथ की प्रमुख पंक्ति। ये पंक्ति तो मैंने आपको पीछे बताई थी, 1200 वर्ष वाली इंपोर्टेंट है, एक यहाँ पर मिलेगी। ये देखते हैं, दो गरीबी न बोलो हो साम्य राव, तो सरीखा घना और भुवार। ये पहली पंक्ति है, इंपोर्टेंट है। दूसरी पंक्ति हम देखेंगे, करवा बोलना बोलिस नारी, तुमो मेलासी चित बिसारी। दोनों पंक्ति इंपोर्टेंट है, आप नोट कर लेना। आगे देखिए, हम पढ़ते हैं चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, दूसरा ये नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, और तीसरा ये UPSC SC के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो आप खुद जान सकते हैं, जितने भी हायर एजुकेशन के एग्जाम है सब में पृथ्वीराज रासो लगा हुआ है। तो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और इसमें इन्होंने इसकी पूरी कहानी बताई है शुक्ल जी ने, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की शॉर्ट में, तो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रकरण 3 काफी बड़ा है और महत्वपूर्ण भी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इस लाइन में 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, और तीसरा ये कोटेशन पूछी जाती है कि ये किसने कहा है। तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं, चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, और दोनों ने एक ही दिन संसार भी छोड़ा था। बताया जाता है कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज, इन दोनों का जन्म भी एक दिन हुआ था, और एक ही दिन इनको मृत्यु हुई थी। तो ये इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है, ये स्टोरी है, पढ़ते हुए चलेंगे बस हम। ये महाराज पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे, तथा सर्वभाषा व्याकरण काव्य साहित्य छंद शास्त्र ज्योतिष पुराण नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इश्क था, जिसकी कृपा से ये ऐदृश काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे। जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। यहाँ पर इसमें चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज, इन दोनों का बताया गया है कि दोनों बिल्कुल एक तरह एक साथ ही रहते थे हमेशा। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो में कितने समय है, याद रखिएगा 69। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित, छप्य, दुआ, तोमर, त्रोटक, कहा और आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनका पिछला भाग पान के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद्र के पुत्र जलन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है, बताया जाता है। जैसे कादंबरी जो कि बाणभट्ट की रचना थी, उसका कहते हैं वो अधूरा रह गया था, उसको पूरा बाणभट्ट के पुत्र ने किया था। ऐसे ही पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा जाता है कि यह अधूरा रह गया था, फिर इसको पूरा चंद्रवरदाई के पुत्र जलन ने इसको पूर्ण किया था। तो पूछा भी जाता है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण किसने किया, तो क्या जलहन ने। कौन था ये जलहन? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन। आगे बढ़ते हैं, रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी मही गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलन के हाथों में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जलन के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। ये पंक्तियाँ इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है किसी ग्रंथ के है। पुस्तक जलन हत दैत चलई गज्जन निरिप काज, ये इंपोर्टेंट पंक्तियाँ आप याद रखना और नोट कर लेना। और ये याद रखना, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? चंद्रवरदाई के पुत्र जलन ने। आगे देखेंगे हम, इसमें बताया पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का 6 विस्तार वर्णन है। पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो में कहाँ से कहाँ तक की कथा वर्णित है। तो याद रखिएगा,
पृथ्वीराज दासो में आबू के यज्ञ कुंड से चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। अब हम पढ़ते हैं इसकी कथा क्या थी। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्नो राज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुम्बर कोमर राजा अनंग पाल की कन्या से हुआ। अनंग पाल की दो कन्याएं थी सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंग पाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजस्व यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजस्व यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिरकर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलता पूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था। मतलब जब इनका पृथ्वीराज का जयचंद के साथ लड़ाई हुई कि बहुत कुछ तो वहीं पर इनका हास हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चराया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द वेदीपान द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। ये इसकी कथा थी। कोई इम्पोर्टेंट तो ये कथा है नहीं, बस एक बार हमें पढ़ लेनी चाहिए कि हमें पता चल जाए कैसे कैसे इतिहास आगे बढ़ा। आइए आगे देखते हैं हम। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइया की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए गए संवत्तों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज दासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया गया। मैं आपको बता दूं पृथ्वीराज दासों के बारे में बहुत मतभेद है। कुछ लोग तो इसे प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ इसे अप्रमाणिक मानते हैं। रासों में संगेज तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवत्तों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो है हमारे पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने रासा की जो घटनाएं है बिल्कुल कल्पना मानी है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। ये इन्होंने यहाँ पर पृथ्वीराज रासों की भाषा के विषय में बताया है। इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली लाइन इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि ये किसने कही है, शुक्ल ने कही और किस ग्रंथ के बारे में कही है। पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, तो भाषा की कसौटी से लेकर नहीं है तक इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना।
दो की ओर कुछ कुछ कवि तो छप्पयो की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कई कई अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कई कई तो भाषा आधुनिक साँचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही कई कई भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, यह हमारा शुरू में लाइन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आप नोट कर लेना। अब मैंने ये ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज विजय, संस्कृत का है और ये जयानक कविया उनका है। यह पृथ्वीराज दासों में इस ग्रंथ का जिक्र आया है, इसलिए मैंने लिखा है। और ये पेपर में पूछा भी गया है नेट के पेपर में कि पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है, तो याद रखिएगा जयानक, कंफ्यूज मत होना, पृथ्वीराज दासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय जयानक, और ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। आगे चलते हैं, आगे ये शुक्ल जी की बुक में ही पंक्ति दी हुई थी, ये पृथ्वीराज दासों के पद्मावती समय की पंक्ति है, दो पंक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम, आगे हम देखेंगे भट्ट केदार और मधुकर कवि, इन दोनों का वर्णन शुक्ल जी ने एक साथ ही किया है, तो मैंने इसलिए एक साथ ही लिखा है। जिस प्रकार चंद्रवरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुणगान गाया है, कि जिस प्रकार चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ में पृथ्वीराज का कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार का भट्ट केदार ने किसका किया है, कन्नौज के सम्राट जयचंद का। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा है, याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। भट्ट केदार की रचना जयचंद प्रकाश, किसका वर्णन है, जयचंद का, यह नाम से ही प्रतीक हो रहा है, और इसकी विधा क्या है, ये महाकाव्य है जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। ये बात हुई हमारी भट्ट केदार के ग्रंथ जयचंद प्रकाश की। अब आगे देख लेते हैं मधुकर कवि के ग्रंथ की, इसी प्रकार का जयमंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, याद रखेगा ये दोनों ग्रंथ हमारे आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंगा यज दयालदास कृत राठौड़ा री ख्यात में मिलता है, याद रखेगा, जो ये हमारे दोनों ग्रंथ है जयचंद प्रकाश और जयमंग जस चंद्रिका, इन दोनों का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, सिंगा यज दयालदास कृत राठौड़ा री ख्यात में, इम्पोर्टेंट याद रखेगा, मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ हमारे दो ग्रंथ, भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि का जयमयंक जस चंद्रिका। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे जागनिक का ग्रंथ प्रमाल दासो, इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। आगे इसमें देखते हैं हम, ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने मोव के दो देश प्रसिद्ध वीरों आहला और उदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सब प्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे हो गया। जागनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव गांव में सुनाए पड़ते हैं। ये गीत आला के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। पूछा भी जाता है जो आला के गीत है वे कब गाए जाते हैं, बरसात में, इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। यह पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, आप बीसल देव की पंक्ति भी थोड़ी थोड़ी इसी टाइप की मिलती है और जगनिक के ग्रंथ प्रमाल दासों की भी, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना, एक जगह इनको नोट कर लेना। आगे चलते हम, आगे देखेंगे, इसी प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर तरफ
प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। याद रखिएगा, ये भी गाने के लिए रचा गया था और विशाल देवरासो के बारे में भी ऐसा बोला गया, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। जहाँ पर आपको दो बात एक जैसी लगे वो एक जगह अलग से आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आला का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवारा इसका केंद्र माना जाता है, वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत। आगे देखेंगे, मैं आपको बता दूं जो ये परमाल रासो है इसका दूसरा नाम आलाखंड है। पूछा भी जाता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, आलाखंड, तो आप याद रखिएगा। आगे इसमें लिखते हैं, इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमाल के सामंत थे और बना फर्ज शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आलाखंड के नाम से छपा है। फरुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। तो पूछा जाता है जो आलाखंड है इसका सबसे पहले जो इसका प्रकाशित करवाया वो किसने करवाया था, चार्ल्स इलियट ने। ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का अंतिम ग्रंथ भी है। श्रीधर, इनकी रचना है रलमल छंद। इन्होंने संवत 1454 में रलमल छंद नामक एक काव्य रचा। इसमें आपको तीन बात याद रखनी है, श्रीधर की रचना रलमल छंद, प्रकाशन संवत 1454, और एक एक हमारी पंक्ति। एक बार मैं पढ़ देती हूँ, इन्होंने संवत 1454 में रलमल छंद नामक एक काव्य रचा जिसमें इडर के राठौर राजा रलमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खा पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे दिया जाता है, ये पद है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। मैं आपको बता दूँ आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लंबी इसी कारण हुई क्योंकि यह प्रकरण हमारा महत्वपूर्ण और काफी बड़ा भी है। मैंने इसे शॉर्ट में रखा है, पर जो इम्पोर्टेंट है वो तो सब रखने ही होते हैं। हम शुक्ल की बुक से ऐसी कोई लाइन हम छोड़ नहीं सकते, जो इम्पोर्टेंट है वो सब रखना पड़ता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। साथ ही मैं आपको बता दूं मैं रविवार को हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आ रही हूँ। ये हमारा सेकेंड मॉडल पेपर है, फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने पिछले संडे को करवाया था, जिसने नहीं देखा अभी तक देख लेना। और आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।